ये कैसा फैसला कर लिया है तुमने? क्यों? फैसला लेने का हक सिर्फ बाकी लोगों को है, मुझे नहीं है। मेधा, तमाम लोग जब भी कोई फैसला लेते हैं तो वो सिर्फ सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नहीं सोचता है। इसलिए मैंने भी सोच लिया है, मैंने फैसला कर लिया है कि लॉ फर्म शुरू नहीं करूंगा और अब मैं वापस अमेरिका चला जाऊंगा, पीरियड। तुम्हें तुम्हें पूरा हक है कि तुम अपने फैसले अपने मुताबिक लो, लेकिन ये फैसला ये गलत होगा। मेरे फैसले में तुम्हें शायद नुकसान लग रहा है अपना, इसलिए तुम्हें गलत लग रहा है। मुझे नुकसान लग रहा है? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? आज तो पहली बार हिम्मत करके सच बोल रहा हूं मैं मेधा। सच पहले भी बोलता था मैं, लेकिन शुगर कोट करके, कड़वे सच में चीनी मिलाकर, ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। लेकिन यहां तो बुरा लगना दूर, सामने वाले को मेरी बात तक समझ में नहीं आ रही है। इसलिए अब जरूरी हो गया है कि कड़वे सच को कड़वाहट के साथ ही बोला जाए। तो क्या यह फैसला तुम मेरी वजह से ले रहे हो? ये तुम्हें समझना चाहिए मेधा। मेरा लॉ फर्म शुरू करने के पीछे मकसद था उस मेधा के साथ काम करना जिसको मैंने बरसों से चाहा है। इट वॉज अ काइंड ऑफ रोमांस फॉर मी। लेकिन तुमने मेरा क्या हश्र कर दिया है? यू स्टार्टेड यूजिंग माई इमोशन फॉर योर ओन बेनिफिट। मेरे जज्बात को तुमने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया मेरा। ऋषभ के लिए तुमने मुझे एक थ्रेट की तरह इस्तेमाल किया, ताकि ऋषभ डरता रहे कि मेधा की जिंदगी में सुनील है, सुनील, एंड यू कैन नेवर कम आउट ऑफ ऋषभ। मेधा, तुम कभी भी ऋषभ को अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर पाओगे, नेवर। सुनील, सुनील, मैं तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद चाहती हूं ऋषभ के बिना जिंदगी जीने की कोशिश करने में। यकीन जानो, यकीन जानो कि एक ना एक दिन मैं ऋषभ को अपनी जिंदगी से अलग करके ही रहूंगी। बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। ट्राई एंड अंडरस्टैंड सुनील, मुझे मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। एटलीस्ट तुम तो समझने की कोशिश करो।